नमस्कार। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, आपको करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या आपकी पार्टनरशिप सही व्यक्ति के साथ है या किसके साथ करनी चाहिए, इन सभी मुद्दों के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको उसके लिए समझना होगा कि कौन सा प्लैनेट किसके साथ आपकी रिलेशनशिप गवर्न करता है। दूसरी बात, कौन सा हाउस किसके साथ आपकी रिलेशनशिप गवर्न करता है। तीसरी बात, अगर वो रिलेशनशिप गवर्न हो रही है तो कहीं एस्ट्रो वास्तु में ऐसा कुछ तो नहीं है कि उसका हिट ब्रेक हो जाने की वजह से उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही हो। बस इन तीन मुद्दों के ऊपर बात करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कुंडली के ऊपर विचार करके आप अपने लिए उपयुक्त सही पार्टनर और रेमेडी तय कर सकते हो ताकि आपकी पार्टनरशिप बेहतरीन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सन है वो फादर के साथ या फादर फिगर्स के साथ, जिसको आप दिल से फादर जैसा मानते हैं, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप को गवर्न करता है। मून मदर और मदर फिगर के साथ, मार्स एल्डर ब्रदर या किसी को आप दिल से अपना बड़ा भाई मानते हो, मरकरी सिस्टर्स के साथ, भुआ मौसी इन सबके साथ आपकी रिलेशनशिप को गवर्न करता है, और कहीं ना कहीं आपके टीचर के साथ, जो स्कूल में आपके टीचर रहे होते हैं, जिनसे आपको शिक्षा प्राप्त होती है, जो आपके लिटरल तौर पर गुरु नहीं होते लेकिन टीचर होते हैं, जिन्होंने आपको कभी कोई शिक्षा दी होती है, उनके साथ भी मरकरी आपके रिलेशनशिप को गवर्न करता है। जुपिटर गुरु, जैसे कोई धार्मिक गुरु हो, जिनको आप दिल से अपने गुरु मानते हो, उन सभी लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप को गवर्न करता है। वीनस वाइफ के साथ में या कोई भी आपकी फीमेल फ्रेंड्स हो उनके साथ। और सैटर्न वर्कर्स, जो आपके साथ में जिन्होंने किसी ने काम किया हो, आपके सीनियर जो बहुत सीनियर हैं, जो ओल्ड एज हैं, जो गंभीरता से लेते हैं आपको, ऐसे लोगों के साथ में रिलेशनशिप गवर्न करता है। तो ये हुई प्लैनेट्स की बात में। प्लैनेट्स की बात हम बात करते हैं कौन सा हाउस आपकी पत्री में कौन से रिलेशनशिप को गवर्न करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फर्स्ट हाउस है, ये जो फर्स्ट हाउस है, ये सारे बॉक्सेस होते हैं, हाउसेस होते हैं आपकी कुंडली में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। ये मैंने बॉक्सेस के नंबर लिखे हैं, इसको राशि से मिसप्लेस नहीं करना। यहां पर राशि का कोई रोल नहीं आता, रोल आता है सिर्फ बॉक्सेस का। तो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है सेल्फ को, आपकी अपने आप से जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, आप खुद कैसे हो, इस बात को देखने के लिए देखा जाता है कि अगर आपका फर्स्ट हाउस ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको किसी भी पार्टनरशिप की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली को, जो आपकी फैमिली है क्या आप उसमें पार्टनरशिप करेंगे। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके सिबलिंग्स को या आपके ऑफिस को। ऑफिस मैंने इसलिए लिखा, लोग इसको कंफ्यूजन में लेते हैं क्योंकि ये हाउस प्रेजेंटेशन का हाउस है, कहां जाकर आप अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करते हैं, तो लगभग लोग ऑफिस में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, या आपके सिबलिंग्स आपके भाई बहन उनके साथ आपके रिलेशनशिप को गवर्न करता है। फोर्थ हाउस आपके घर को दिखाता है, आपकी माँ को दिखाता है, तो उसके साथ आपके रिलेशनशिप को गवर्न करता है। फिफ्थ आपके बच्चों को दिखाता है, उनके साथ रिलेशनशिप, या दिल से जिनको आप लाइक करते हो, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप को गवर्न करता है। सिक्स्थ हाउस रिलेशनशिप गवर्न करता है जहां पर आप जॉब करते हो, जहां पर आप सर्विसेज देते हो, वहां का कोई इंसान हो उसके साथ आपके रिलेशनशिप को गवर्न करता है। सेवेंथ हाउस आपके अपने एसोसिएट्स, आपके अपने पार्टनर या आपका लाइफ पार्टनर, इन सभी के साथ आपके रिलेशनशिप को गवर्न करता है, आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ आपके रिलेशनशिप को गवर्न करता है। एट्थ हाउस इन लॉस का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है कि आपका रिलेशनशिप इन लॉस के साथ में कैसा होगा, या उनके साथ पार्टनरशिप सही होगी या नहीं होगी। नाइन्थ हाउस भाग्य का है, आपके पिता के साथ आपके रिलेशनशिप को गवर्न करता है। टेंथ हाउस आप जहां पर भी काम करते हो, या आपका कुनबा, आपका एपेक्स, आपके आसपास के लोग जिन जो आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप को। और इलेवेंथ हाउस आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में रिलेशनशिप को गवर्न करता है। ट्वेल्थ हाउस गवर्न करता है कोई फॉरेन लैंड में आपके कोई दोस्त हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लेकिन इन जनरल ट्वेल्थ हाउस में हम पार्टनरशिप अगर ना ही करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। इस तरीके से आपको मैंने दो बातों में ये बताया कि कैसे प्लैनेट्स और कैसे हाउसेस एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स को गवर्न करते हैं। अब आपको इसके बीच में चूज करना होता है कि आपका कौन सा हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है,
हाउस कौन सा स्ट्रांग होता है, कैसे स्ट्रांग होता है, इसके ऊपर हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा अगली वीडियो में कि कौन सा हाउस स्ट्रांग होता है या पार्टनरशिप का अगला पहलू क्या है और उसको एस्ट्रो वास्तु से ब्रेक कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।